कुछ महीनों से हम सोते समय और उठते समय, यानी जो लास्ट थॉट ऑफ द डे और मॉर्निंग का फर्स्ट थॉट ऑफ द डे एक ही होता है कि हे ईश्वर, हमें सुरक्षित रखना, हमें स्वस्थ रखना और मेरे सब अपनों को लंबी उम्र देना, हमें बचाए रखना। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा जब से हम ये महामारी थी, मगर लॉकडाउन 4 के बाद जिस तरह परिस्थितियां बदली, एक नारा जो था कि जान है तो जहान, वो जैसे ही हटा और उसके बाद जो परिस्थितियां हुई है, अभी तो ये सब चीजें जैसे सब भूल ही गई। आप देखिएगा, आप न्यूज भी खोलिए तो आपको बस एक आंकड़े जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, एक नया फिगर, नई बढ़ोतरी, बस वो दिखा देते। उसके बाद दूसरी दूसरी समस्या, कौन से राज्य में कौन सरकार गिर सकती है, कौन गैंगस्टर माना गया, सीमा पे क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह, दोष प्रत्यारोप आरोप यही चल रहा है। जैसे भूल गए हैं कि मेन मुद्दा, मेन समस्या पूरे विश्व की क्या है, और ये घरों में भी यही हो रहा है। फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य इतना है कि जो अगर सब इसका कारण कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, मुझे जो लगता है कि जैसे CID में प्रद्युमन सर कहते ना, कुछ तो गड़बड़ गया, उसी तरह कहीं ना कहीं, चाहे वो विश्व लेवल पे हो, भारत सरकार के लेवल पे हो, स्टेट के या हमारे परिवार में, कहीं ना कहीं हमसे कहीं कोई चूक हो रही है। और वो चूक मुझे तो यही लग रही है कि सबके बीच में एक ईगो, एक अपना स्वार्थ और मैं आ गया है। और बस अगर होड़ लग रही है कहीं स्वार्थ कि अगर वैक्सीन निकलनी भी तो पहले मैं निकालू, और एक इस तरह मैं आ गई, मैं पीछे, ये जो मैं आ गया है ईगो, और उसी के कारण परिवारों में भी मेन कारण है कि अंदर से हम सभी डरे हुए सहमे हुए, मगर मैं एक मुद्दे से भटक गई। वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं आज ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर, मेरे बहुत से FB के और मेरे जो चैनल से, मेरे पेज से जो लोग जुड़े हुए हैं, या जो मेरे परिवार के हैं, जो लोग भी समाज से जुड़े हुए, बड़े बड़े संस्थाओं से जिनसे मैं जुड़े हुए, उन्हें मैं अपना परिवार ही कहती हूँ, वो लोग हमारी पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े NGO से भी जुड़े हुए हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आज का वीडियो आप जरूर से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि अगर आप लोगों को अच्छा लगे कि मैं जो कह रही हूँ वो उचित है, ताकि हम अपने विश्व को, अपने देश को, अपने परिवार को बचा सकें। और उसका एकमात्र इलाज यही है कि हम सभी को अपनी जो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन जो भी है, वो एक बात हम समझ लें कि वो जब तक है जब तक हमारी आंखें खुली। आज जो हमारे बीच में नहीं है, क्या उनका कोई फ्रस्ट्रेशन है, उनके पास कोई ईगो कुछ है करने को नहीं, या हम उनपे निकाल सकते हैं? नहीं। अगर हम तारीफ करते तो भी वो सुनने नहीं आ रहे, और अगर हम रो रहे हैं तो भी वो देखने नहीं आते, कोई उन्हें गाली दे रहा है तो भी वो देखने नहीं आते। इस चीज को हम क्यों भूल रहे हैं? सबको फोकस करना होगा कि जो हम किस तरह एकजुट होके इससे सबसे पहले हम इस महामारी से अपने आप को बचाएं। और उसमें अगर सच कह दियो, मुझे पूरा विश्वास है, अगर एकजुट होके प्रयास करेंगे तो दवाई जरूर निकलेगी। और सावधानी भी, अगर मैं क्यों करूं या सिर्फ मैं क्यों करूं, इस भावना से ऊपर उठ के जैसे देश का भी अगर प्रधान एक बार फिर कोई कड़ी स्टेप ले कि नहीं, पूरा देश मेरा है, मुझे बचाना, देखा जाएगा बाद में क्या, ऐसे ही पूरा विश्व एकजुट होके कि बाद में देखेंगे सीमा पे क्या करना है, बाद में देखेंगे किसे अधिक लाभ होता है किसे कम, एकजुट होके पहले वैक्सीन निकाले, पहले कड़ा स्टेप ले और हम बचाएं दूसरे को। परिवारों में भी यही, जो एक वापस आ गया, शुरू में लगा था कि हाँ हम लोग चाहते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, संपर्क करते हैं, वापस समझते ये तो है, छोड़ो अपनी अपनी अपना अपना समाज, और वापस अगर क्रोध भी आता है, शुरू में प्रयास कर रहे थे कि एक दूसरे पे जाए न करें, एक दूसरे को बचाए, अब तो वापस वही पुराना, वही अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। अगर आक्रोश आने का स्वाभाविक है, क्योंकि आर्थिक मंदी भी है तो हम घरों में लॉक्ड हो गए, और शहरों वाले तो विशेषकर अपनी अपनी जो समस्याएं, जो
एक जो उनका गोल था रिसेंट में अचीव करने वाले थे, वो सब स्टैंड स्टिल हो गया है। जैसे किसी की शादी होने वाली रुक गई, किसी का कोई मकान बनने वाला रुक गया, सब स्टैंड स्टिल हो गया है। फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन से ऊपर है जान, और जान तब तक सुरक्षित है सिर्फ घरों में तब तक तो है, उसके अलावा हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल टेंशन नहीं होगा। बार बार कहा गया स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहने के लिए दिमागी रूप से हमारा दिमाग शांत हो जाए, और उसके लिए घर का माहौल ही सही रहेगा तो समाज का सब घटेगा, देश का भी सही। सो फ्रेंड्स, अगर किसी का भी आपस में कोई मतभेद, तो मैं तो यही कहूँगी प्रयास करें कि उसे हम बाहर में संभालें। एक बार अगर गुस्सा भी जा रहा है तो दूसरा चुप हो जाए, और जिसे गुस्सा आया है थोड़ी देर बाद उस क्रोध को भूल के सामने वाले से, अगर वो देख रहा है बहुत परेशान है, तो एक दूसरे से सॉरी बोले, एक दूसरे से माफी मांगे। और स्टेट लेवल पे भी अगर कहीं कोई भूल हो रही है, ईगो से हटाएं, परे हटे, और सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भूल, वो उसे भूल कर पूरे देश के बारे में सोचे, और यही पूरे विश्व पे लागू होती है। सीमा के विवाद और विवाद, कौन पहले, कौन प्रधान, कौन पावरफुल, ये सब बाद में है। सबसे पहले बचाने के लिए प्रयास करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग की धजियां उड़ते देख रहे हैं, उसे रोकने के लिए कड़े स्टेप लें। आज जो लोग सिर्फ क्या कुछ नहीं कर पा रहे, और देख चुके हैं किस तरह बड़े बड़े प्रधानमंत्री, क्या राष्ट्रपति, अभिनेताओं को आप देख रहे हैं, किसी भी सब राजनेता सब चपेट में आ रहे हैं, तो हम क्यों ये सब चीजों के बारे में नहीं सोच रहे? इमीडिएटली ऐसा निर्णय लेना जरूरी हो गया है कि जिससे कोई ठोस कदम उठा के, कोई ठोस, और मुझे आई एम श्योर अगर पूरे सब मिलकर प्रयास करेंगे बहुत जल्दी इसका इलाज हो जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह हम बढ़ रहे हैं, जाने जाने तो भूल ही गए, एक नए आई नारे अपने अपने, बस इस देश में क्या हो रहा है, इस कौन सरकार गिर रही है, कौन बनेगी, कौन गैंगस्टर पकड़ा जाएगा, सेना का विवाद, उससे विवाद, तू अच्छा मैं बुरा, एक दूसरे की कमियां गिनाने में लगे। आपस में भी जो बहुत छोटे छोटे परिवार है, उनको तो जैसे हम सोचते हैं अरे हम तो एक साथ हैं, मजे में, उन्हें भूल ही गए हैं कि कहीं कोई हमारा अपना, लोग करोड़ों अरबों रुपए दान कर रहे हैं, कहीं कोई हमारा बीमार तो नहीं, कहीं उसे हमारी मदद की जरूरत तो नहीं, कहीं थोड़ा बहुत वो ना मामला हो तो हम फोन करके पूछ लें, कुछ पहुंचाएं मदद। और अगर कोई फ्रस्ट्रेशन में किसी से हमने फोन किया है, और अगर कोई कारण से वो ठीक से नहीं बोल पा रहा है या नहीं बोला, तो उसको भी ना पकड़े, सोचे हो सकता है उस समय उसके घर में क्या माहौल रहा होगा, क्या उसके दिल में अशांति है, ये सब चीजों के बारे में अगर एकजुट होकर हम सोचेंगे ना, तो बहुत जल्दी हल निकल आएगा, और एक कोई ठोस निर्णय निकल आएगा। फिर कहूंगी चैनल के माध्यम से, सब मिल के एक बार एकजुट होकर सोचें, कट जल्दी से जल्दी कोई निर्णय ले, सरकार पूरा विश्व परिवारों में भी, कि जिससे हम एकजुट हो सकें, और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, छोटी मोटी ईगो, छोटे मोटे टेंशन को भूल कर परिवार को स्वस्थ रखने का परिवार कर प्रयास करें। और वो प्रयास तभी सफल होगा जब घर में शांति हो, सेम स्टेट में अगर शांति होगी, देश में शांति होगी, तभी कोई ठोस कदम उठा सकेगा। सब एकजुट होकर प्रयास करें कि हम जल्दी से जल्दी कोई पूरे विश्व को सुरक्षित कर सकें, विश्व सुरक्षित या उल्टा शुरुआत कर सकें, अपने परिवार को सुरक्षित करें, उसमें शांति बनाए रखें, स्वस्थ रहें, तो हमारे स्टेट में शांति हो, स्टेट में रहेगी तो देश में रहेगी, देश में तो पूरे विश्व में। फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरे इस थॉट से सहमत हैं, चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और अपने अपने जान पहचान वालों को तक फैलाएं, ताकि ये मैसेज हमारी सरकार और हमारे पूरे विश्व में फैल सके। और जो लोग जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत आभार, और लोगों को भी जोड़िए, ताकि हम और अच्छे अच्छे प्रयास कर सकें। एक बात लास्ट बट नॉट लीस्ट कहूंगी, ये एमपी की दोस्ती नहीं है हमारा जीवन, या यूट्यूब का चैनल का नहीं है, पसंद आया तो सब्सक्राइब, नहीं अच्छा लगा तो अनसब्सक्राइब, या एफबी पे फ्रेंड बना लिया, अनफ्रेंड कर दिया, फिर अगर दिमाग में आया नहीं अच्छा ही बनता, वापस फ्रेंड कर दिया। जीवन अगर एक बार चला गया तो हम उसे वापस, उन अपनों को जो चले गए उन्हें वापस फ्रेंड नहीं कर सकते।
उन्हें बचाने के लिए जल्दी से जल्दी और जो चले गए उन्हें नहीं ला सकते लोग, लेकिन जो है उन्हें हम कैसे बचें, कैसे हम सुरक्षित हैं। बाकी समस्याओं का हल जरूर निकलेगा, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए प्रयास करें और अधिक से अधिक लोग आप लोग इससे जुड़े। चाहूंगी कि आप अपने भी जो अगर कोई सुझाव समझ में आता है, मैं तो जिसकी भी पोस्ट अच्छी लगती है एफबी पे उसे शेयर करती हूँ इससे रिलेटेड। आप लोग भी अगर ये थॉट अच्छे लगे तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने इसलिए कह रही हूँ कि बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपको भी पता चलेगा और आप मुझे सजेशंस भी दे पाएंगे कि आगे हमें किन विषयों पर बात करनी है। बहुत से विषय हैं और किस तरह हम एक दूसरे को हंसा सके उस विषय पर भी कमेंट कीजिए और टॉपिक सोचिए, एक दूसरे को बताइए ताकि हम लोग सुरक्षित रह सके। फ्रेंड्स, टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, गॉड सेव अस ऑल, गॉड ब्लेस अस ऑल, थैंक यू।